हाय फ्रेंड्स, मैं वेडिंग पार्लर में और मैंने अभी बनाया है अपना आईब्रो खुद से। सेल्फ थ्रेडिंग आईब्रो की फुल डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपको सीखना है, देखना है कैसे बनाया था और आप भी बनाना चाहते हो तो वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा और खुद से आप बना सकते हो घर पे अपनी आईब्रोज को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जाके सीखिएगा जरूर। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ईजी वे में लेके आती हूँ आप सभी के लिए पूरी पार्लर से रिलेटेड एंड स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोज 100% इफेक्टिव होती है। खुद ट्राई करती है फिर आप लोगों के साथ शेयर करती है और सारी वीडियोज आपको सेल्फ मिलेंगी तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला आप लोगों के लिए। तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आज भी बनाने वाली हूँ ये डोनट बन से ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इस हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों को एक हाई पोनीटेल बनानी है जैसे कि मैं बना रही हूँ। अच्छे से एक हाई पोनीटेल बनाएंगे। बिल्कुल क्राउन एरिया पे ओके, क्राउन एरिया पे आपको इस तरीके से हाई पोनीटेल बना लेनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे पोनी को एंड आगे से आप इस तरीके से खींच लेंगे सारे बालों को ताकि थोड़ा सा फ्लैट लुक ना आए। इस तरीके से खींचने के बाद लेंगे हम लोग अपना डोनट बन और डोनट बन को इस तरीके से पोनी के अंदर इंसर्ट करेंगे और यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से यू पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो अच्छे से आए। दोनों तीनों तरफ से इस तरीके से यूपिन लगा लिया है। अब बालों को करेंगे टू पार्ट में डिवाइड। एक पार्ट को छोड़ देंगे, दूसरे पार्ट को अच्छे से कॉम करेंगे। और डोनट बन को हाइड करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से डोनट बन के चारों तरफ से हेयर को लपेट देंगे और एक यूपिन से सिक्योर कर देंगे। जैसे हमने इस साइड से किया है वैसे ही दूसरी साइड से भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यूपिन से डोनट बन को अच्छे से हाइड करेंगे ओके। अब दूसरी साइड से लेके आएंगे जहाँ से कि आपका डोनट बन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमने पकड़ा है हेयर को और यूपिन से सिक्योर कर देंगे ताकि जो हमारा डोनट बन गया वो अच्छे से हाइड हो जाए। यहाँ पे हमने यूपिन लगा दिया। अब सारे हेयर को बैक साइड में लेके जाएंगे और जो भी हमारा डोनट बन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर से लपेटेंगे और कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लेके आएंगे और यूपिन से सिक्योर कर देंगे ओके। तो ब्यूटीफुल सा हाई बन बन के यहाँ से रेडी हो जाएगा और इसको यूपिन से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। अब इस तरीके से घर पे अपना हेयर स्टाइल बना सकते हो खुद से। जहाँ पे आपको यूपिन की ज़रूरत लगे यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको मैनेज नहीं लग रहा है तो यहाँ पे हम यूपिन से सिक्योर कर देंगे ओके। तो अच्छे से हमारा जो डोनट बन था वो हाइड हो चुका है। साइड से लेयर निकालना है
इसको आप निकाल निकाल सकते हो। इसको आप साड़ी के साथ बना सकते हो, सूट के साथ बना सकते हो, जो भी ड्रेस आप पहन रहे हो और ड्रेस भी जाएगा। तो हाई बन है तो काफ़ी प्यारा भी लगता है। तो फ्रेंड्स से कुछ इस तरीके का लुक आया है इसका। एंड बैक से मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि बैक से कहीं डोनर बन वाला दिखाई दे रहा है। और अगर कैसे दिख रहा है तो आप उसको मैनेज करके लुकिंग बना लीजिएगा। इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हो पार्टी वेयर लुक देने के लिए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और आपको सबसे ज़्यादा कौन किस टाइप की वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखना पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं वैसे ही वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। इस तरीके से डोनर बन को अपने पोनी के जस्ट ऊपर रखना है। इस तरीके से यूपिन पे स्कैल्प के हेयर के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब आप बैक से हेयर को लेके आएंगे, बैक से थोड़े से हेयर छोड़ देंगे ताकि जो हमारी पोनी का रबर बैंड दिख रहा है वो ना दिखाई दे। ओके, इसको हमने छोड़ दिया। अब ये बाकी सारे हेयर को इस तरीके से मिलेगा वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्लस प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलता हो। वीडियो आप लोग तक पहुँच पाए प्लीज सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा जरूरत है। इस तरीके से मैंने काम बालों को अच्छे से काम कर लिया था, पूरा अच्छे से फैला देंगे। और पहले मैंने सोचा कुछ इस तरीके करने के लिए बल्कि ऐसा ही अंधा लुक होता था तो इसको मैं चेंज कर देंगे। मांग लगा के बैक साइड बालों को लूँगी और गाड़ी आ गई थी हमारे दरवाजे पे और हमको जाना था और आवाज़ लगा दी। ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं किया सिंपली इस तरीके से ही थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना लिया था। एक रबर बैंड आपको ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। अब जो हमने बैक में चौड़ाई बना निकाल के उसको पफ भी बनाते थे, पफ भी काफ़ी प्यारा लगेगा। पफ नहीं, पफ नहीं बनाया था क्योंकि बहुत जो है पफ वाला लुक बन चुका है। इस तरीके से साइड पार्टीशन करेंगे और सारे बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद से सिंपली अच्छे से साइड पार्टीशन कर लेंगे। बाल बहुत ज़्यादा झड़ी उसका कम ठीक हो गया क्योंकि मेरी बॉडी में हो गई थी आयरन वगैरह क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी। तो उसको मैं धीरे धीरे कवर कर रही हूँ, जैसे कवर होगा वैसे स्किन एंड बाल होगा तो सिक्योर हो जाएगा। तो ये है काफ़ी इजी। अभी काम करके बहुत ज़्यादा मैं सारा कुछ बना सकता हूँ बट धीरे धीरे सब मैनेज किया था। एंड कैसा लग रहा है ये हेयर स्टाइल, ट्राई करिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखा कीजिए और ये पसंद आया हो आपको इस तरीके से मेरे बालों को फ्रेंड्स के तो इस तरीके का लेंगे बालों में और लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बैक से बढ़ी हुई थी अगर मिलने वाला फिर मिल गया। मेरी बेटी अपने हाथ में बैठी हुई थी, मैं जो जो यूज़ कर रही थी आप लोग सामने बैठ गई वो भी यूज़ कर रही थी। अब ऊपर से इस तरह में और काफ़ी अच्छा लगा। इस तरीके का लुक और साड़ी सूट के साथ भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी कर सकते हैं। ये मेरा हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट हो चुका है।